नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर देवघर से है, जहां साहिबगंज निवासी दो जवान को गोली लगने से शहीद हो गए हैं। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी के समीप गोलीबारी की घटना में साहिबगंज निवासी दो जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान रवि कुमार मिश्रा साहिबगंज सदर प्रखंड के नारी दियारा का रहने वाला है, जबकि दूसरा जवान संतोष कुमार यादव कबूतर खोपी का रहने वाला है। घटना देवघर नगर थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में डीआईजी सुदर्शन मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पक्षों में पप्पू सिंह और सुधाकर मिश्रा में आपसी विवाद होता रहा है, जिसके कारण सुधाकर मिश्रा को दो अंगरक्षक दिया गया था। देर शाम अपराधियों ने दोनों अंगरक्षक रवि कुमार मिश्रा एवं संतोष यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। संथाल परगना डीआईजी और देवघर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर संतोष यादव के परिजन फिलहाल साहिबगंज में नहीं है, वह लोग अपने पुश्तैनी घर पीरपैंती प्रखंड के लिकलाकोल में रहते हैं, जबकि रवि मिश्रा का परिवार नाडी दियारा में रहता है। रवि मिश्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में संथाल परगना के डीआईजी ने और क्या बताया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। अब तो गोली चली है, गोली में विवाद का नहीं था, पहले तो ऑलरेडी इन लोगों से विवाद चलता ही है ना। इन दोनों में पप्पू सिंह और सुधाकर सुमन मिश्रा में तो आपस में विवाद होता ही है। इन लोगों का तो अपना इसका व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा है। पप्पू सिंह पुराना जो, हाँ पप्पू सिंह तो पहले भी कई कांडों में जेल गया वगैरह। थाना प्रभारी की सर गाड़ी पर भी सर गोली चली है सर? अभी ये नहीं बता सकते, थाना प्रभारी गाड़ी पर गोली चली है, ये तो बाहर ही रहेगी।